वही जो सो मदरसा मख्ता राजभवन अपोजिट और जो सो मस्जिद के सामने जो सो बहुत गंदगी है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर करते करते वो नहीं कर रहे। रमजान में वो घड़े खोदे वो, मगर पानी उसमें आया था तो मोटर नहीं चलाते। उसके पूरे हैदराबाद में सबसे जायकेदार ब्रोस्टेड चिकन हमारे यहाँ, और मंदी बिरयानी, कबाब, शवरमा। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस। एमएस मक्ता अंसारी मस्जिद कने तकलीफ है बोल के यहाँ एमएस मक्ते में हमको बुलाए, यहाँ आके दौरा करके जाइए बोल के। यहाँ आके देखे तो इतनी परेशानी लोगा सहरे, देख के हम खुद शौक में हैं। मस्जिद के सामने इतनी गंदगी, पहले एमएस मक्ता बोले तो बारिश के टाइम से पानी में तकलीफ होता था, लेकिन ये फेब्रवरी मंथ सीवरेज के पानी के वजह से इतना तकलीफ उठाना बहुत ही डिफ़िकल्टी थिंग है। यहाँ पे लोगों को सालों से यही तकलीफ ये लोग फेस कर रहे हैं, कितना भी कंप्लेंट्स करे तो काम नहीं हो रहा। लास्ट टाइम जब बारिश हुआ था तो हम वाटरवर्क्स एमडी को एक रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि एमएस मक्ता 40 भी कैरताबाद डिवीजन में आता है, तो सब मिला के एक सर्वे कराए थे। तो 20 करोड़ के बजट में एक सीवर लाइन और वाटर रेन वाटर का सेपरेट डाले तो ये मुश्किल कम होती बोल के एक रिपोर्ट भी दिए। वो रिपोर्ट हम एमडी से भी डिस्कस करें, उन्होंने बोले ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब 20 करोड़ एमएस मक्ता के लिए सैंक्शन करे तो ये तकलीफ दूर होती। ये टीआरएस गवर्नमेंट में देख रहे हैं आप कितने चीज़ों के लिए दिखाने के लिए कितने कितने काम हो रहे। ये पब्लिक को तकलीफ से दूर करने के लिए ये बजट सैंक्शन कर दिए तो ये काम हो जाता। हम ऑफिशियल से यही पूछते हैं कि आप लोग आके यहाँ पे दौरा करने से कुछ नहीं होता, सैंक्शंस कराना, काम कराए तो ही होता। यहाँ के एमएलए और कॉरपोरेटर भी जितने भी लोग आ रहे देख के जा रहे तो कोई तकलीफ तो कोई हल नहीं निकलता। स्पेशली सालों से ये तकलीफ में है, ये लोगों को एक सोल्यूशन देना। आप देख सकते हैं मस्जिद के सामने इतना गंदगी है और अंदर भी उजू एरिया में भी वाटर रिवर्स आके गंदगी फैल रही है। बच्चे और औरत चलने में बहुत ही मुश्किल हो रहा। आगे यहाँ मस्जिद के बाजू एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चे जाने के लिए ये गंदगी में से चल के वो लोग स्कूल जा रहे, और इतने मस्किटोस और गंदगी फैला हुआ है कि यहाँ रहने के लायक भी नहीं रह रहा है एरिया। हम यही डिमांड करते हैं इमीडिएटली इसमें एक टोटल सर्वे करना है और यहाँ का सोल्यूशन एक दिए तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नहीं तो लोग बहुत तकलीफ में है, वो सहन नहीं सकते इतना गंदगी और इतनी गलीज। हम यही डिमांड करते हैं कि दिखाने के कामों से अच्छा है पब्लिक के वेलफेयर काम भी करे तो अच्छा रहता। वाटर से भरा हुआ है, कोई मस्जिद के अंदर आना बोले तो इतना मुश्किल है। वजू करने के लिए भी जा रहे तो वो ड्रेनेज का पानी रिवर्स मार रहा। पहले एमएस मक्ता बोले तो बारिश के पानी से तकलीफ उठाते थे लोगा, वो बारिश के समय में पानी रहता था, लेकिन ये फेब्रवरी मंथ में सीवरेज का प्रॉब्लम इतना है तो फिर बहुत ही तकलीफ बातें है ये। और यहाँ के लोग कैसा सफ़र कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा कि 6 महीने से सालों से साल ये ऐसा ही चलता जा रहा, कोई इसका सलूशन नहीं है। कोई भी अगर कंप्लेन करे तो जुम्मे के दिन आके सिर्फ थोड़ा क्लीनिंग करके जटिंग मार के चले जा रहे, उससे थोड़ा बहुत कम हो रहा, फिर रिवर्स मार रहा। आप देख सकते हैं अंदर जाना बोले तो लोग यहाँ पे पत्थरा डाल के लकड़ियों के सहारे से अंदर जा रहे। इतनी मुश्किल है कि एक दो गलियों से तो आना जाना ही बंद कर दिए लोग, तो इतनी तकलीफ में है। हम यही डिमांड करते हैं कि वाटरवर्क्स ऑफिशियल से कि ये प्लेस हायर अथॉरिटी विजिट करना और यहाँ के इश्यूज इमीडिएटली सॉल्व करना। अभी तक गुलजा में क्या फायर किसको भी कंप्लेंट दिया मैंने अभी तक कोई? ऑलरेडी लोकल पब्लिक कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे हैं और हम भी एक वही जो सो मदरसा मख्ता राजभवन अपोजिट और जो सो मस्जिद के सामने जो सो बहुत गंदगी है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर करते करते वो नहीं कर रहे। रमजान में वो घड़े खोदे वो, मगर पानी उसमें आया था तो मोटर नहीं चलाते। उसके बाद जब मोटर चलाए तो परेशानी, ये मच्छर से और इससे हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे आना जाना बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई भी आ रहे हैं देख रहे, चले जा रहे, जरा जरा पाइप कर रहे, राड मार रहे, चले जा रहे, जाता साहब बोल रहे, चले जा रहे। कोई झाड़ू मारने वाला आता ना, कोई उठाने वाला आता कचरा, एक चार चार दिन नहीं आते, आठ आठ दिन नहीं आते। आप कह
राजभवन राजभवन मदरसा मख्तार राजभवन मदरसा मख्तार और जो है ये मस्जिद के सामने ही मकान है मेरा गेट शरीफ भाई के बाजू। मस्जिद में क्या करते हैं आप, क्या है आपकी जॉब? जॉब नहीं है, मुसल्ली हूँ मैं, मस्जिद में मुसल्ली हूँ मैं। आ रहा जा रहा हूँ, ये जो है सो हमेशा का है, ये 8-10 साल से तो ज्यादा हो गया है, 8-10 साल से तो ज्यादा हो गया है। ये आ रहे देख रहे हैं जा रहे हैं मगर काम नहीं हो रहा। हमको काम हो ना, हमको काम हुआ तो जो है सो हम भी खुश, आप भी खुश। हमको काम नहीं हो रहा, हमारे बच्चे कैसे जा रहे हैं, हमारे लेडीज कैसी जा रही, जुम्मा के दिन तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या चीज की तकलीफ हो रही है ज्यादा? पानी की ज्यादा तकलीफ हो रही है, डेनिस का पानी। अच्छा। ये डेनिस का पानी से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा। 43 से मस्जिद के सामने आता पानी, 43 से 43 ब्लॉक से जो है सो मस्जिद के सामने आता पानी और यहाँ आके उबलता। इधर से पास होने के लिए पाइप नहीं है, 4-4 दिन 8-8 दिन को आता, मगर नल खुला से दिन तो और ज्यादा आता, नल जिस दिन खुलता उस दिन और ज्यादा आता फाटा पानी। ठीक है, जो है जल्दी जल्दी इसको जो है सो रमजान आ रहा, अब रमजान आ रहा, जरा रमजान में जो है सो जरा अच्छा करे, साफ करे तो जो है सो हम भी खुश आप भी खुश रहते। इसलिए बहुत जो है सो मेहरबानी होती, बच्चे बड़े जो है सो रमजान में रोजदार होते हुए मस्जिद को आते, कैसा आना वो पानी उछलता, हमको नमाज नहीं होती, वो पानी उछलते अगर नमाज नहीं होती और वही पानी में से जाके जो है सो हम नमाज नहीं होती। हम सेक्रेटरेट करोड़ों रुपए डाल रहे हैं वहाँ पर, हमारी बस्ती को कहीं को नहीं डाल रहे। को बोले तो काउंसलर साहब बोल रहे बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा बोल रहे। आखिर बजट जा रहा कहाँ? मैडम का तो बहुत सीधा, इससे पहले भी बुलाए थे मैडम को, बस्ती फिराए हम इससे पहले भी मैडम को, और वालिद साहब के जमाने से जो है सो बहुत अच्छा काम हुआ, आपके कोई काम नहीं हो रहा।